हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखें, गुलाब की कली कितनी अच्छी है, कितना प्यारा कलर है इसका। तो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ, मेरे कुछ पॉट हैं जो मैं विंटर के लिए तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो उनको मैं पेंट करके तैयार कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँ कि मैं कौन सा पेंट यूज़ करती हूँ और कैसे करती हूँ पॉट पर पेंट। तो वही वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दिवाली पे तो मैंने पेंट किया नहीं था, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है दिवाली पे, तो दिवाली के काम ही घर के काम इतने सारे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने दिवाली पे नहीं किया था, टाइम की कमी थी इसलिए। नहीं तो मैंने स्टैंड मेरे पेंट किए थे, तो उनका वीडियो मैंने शेयर किया था आपके साथ, तो वो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। ये देखें, गुलाब भी कितना अच्छा है, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं गुलाब में। तो और ये देखें कलियाँ, इस तरह से कलियाँ भी बनी हुई हैं, और ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया, देसी रोज़ है ये। तो ये देखिए, ये एक मिट्टी का पॉट है, तो ये देखिए कितना बेकार हो गया है, बारिश के दिनों में जो पानी लगता है इन पे बार बार, और हम पॉट में पानी देते हैं तो उसकी वजह से भी ये कितना ख़राब सा हो गया, बिल्कुल मिट्टी छोड़ने लग गया है साइड से। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो ये देखिए इसकी कितनी सारी मिट्टी इसमें निकली है क्लीन करने पर। तो मैंने इसको अच्छे से कपड़े से रगड़ लिया है ऐसे करके, तो सारी मिट्टी इसी से हट जाएगी बिल्कुल। और फिर इस पर हमने ये देखिए इस तरह से पानी डाल लेना है साइड साइड, जो भी सूखी मिट्टी एक्स्ट्रा होगी वो हट जाएगी बिल्कुल ही, ये देखें निकल रही है मिट्टी। तो इस तरह से पूरे पॉट पे पानी डाल लेना है। तो मैंने तो ये मिट्टी डली हुई थी इसमें, तो मैंने इसको खाली नहीं किया, तो मिट्टी इसमें है, तो मैं बार बार से करूँगी। तो इसको देखिए मैंने थोड़ा कर भी दिया है, तो मुझे याद आया कि मैं क्यों ना वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो ये मैंने पूरा इस तरह से हो रखा है, देखो बिल्कुल ख़राब हो रखा है, अगर हम इसे पेंट नहीं करेंगे तो बिल्कुल पॉट ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे मिट्टी निकल के। तो पेंट करने से क्या है कि इसकी थोड़ी काफ़ी टाइम तक ये चलने लग जाता है, एज बढ़ जाती है इसकी थोड़ी, तो पॉट भी हमारे सही रहते हैं, पेंट करने से लुक भी अच्छा आता है, तो पेंट बहुत ज़रूरी है गार्डन में लुक लाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा मिट्टी इनमें निकलती है, बिल्कुल हटा लेना है इसको, हमको कपड़े से अच्छे से रगड़ के सूखे को, फिर इसको पानी डाल के हमने एक्स्ट्रा मिट्टी हटा देनी है। तो इसी तरह से ये देखिए, ये है एक सीमेंट का पॉट, ये देखिए कितना ख़राब हो गया है, इसको मैं अच्छे से कपड़े से रगड़ लूँगी। तो इस तरह से हम किसी पत्रे की हेल्प से भी हटा सकते हैं, देखें पूरा हट जाएगा, हटा के इसको फिर हमने इसको पेंट करना है ऐसे करके, इसको कपड़े से पोंछ लेना है अच्छे से, और फिर इस पर हमने पानी डाल लेना है, तो सारी जो एक्स्ट्रा मिट्टी होगी सूखी इस पर वो हट जाएगी पानी से, और इसको थोड़ा सूखने देना है, फिर हमने इस पर पेंट करना है। तो ऐसे ही मैंने अपने कुछ पॉट पेंट करे हैं, तो ये देखिए और मैं आपको दिखा दूँ। तो अभी मैंने ये पेंट किए हैं, ये देखिए एक बिसलेरी की बॉटल जो होती है, मैंने बहुत सारा यूज़ किया हुआ है इनका, तो ये देखिए इसको पेंट नहीं हो रखा था, तो इसमें भी मैंने पेंट किया, ये देखें रेड कलर, और सिंपल सा ही कलर मैं कर देती क्योंकि टाइम नहीं होता है कि मैं इसको डिज़ाइन दूँ, फिर पेंट भी लाने पड़ते हैं अलग अलग, तो पेंट तो मैं लेकर आ सकती हूँ लेकिन डिज़ाइन देने के लिए टाइम चाहिए, तो वो टाइम मेरे पास नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये टिंट है, ऑयल जो हमारा आता है, तो ये देखें इस तरह से ये मैंने दोनों पेंट कर दिए हैं ये भी, तो इनमें मैं जो है कि बड़े प्लांट में लगा सकती हूँ इनमें, इसलिए मैं इनका यूज़ करती हूँ, मैं फेंकती नहीं इनको, कबाड़ी के नहीं देती हूँ। तो इनको भी मैंने दो मेरे पास पड़े हुए थे, तो ये देखिए अंदर से भी मैंने पेंट कर दिया है इस तरह से, तो इनका पेंट अभी मैंने किया है, तो इनको भी अच्छे से क्लीन करके धो धा के तब जाके हमने पेंट करना होता है। तो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल का हमें यूज़ करना चाहिए अपने गार्डन में। ये देखिए ये भी वेस्ट ही था, मैंने 20 रुपये में लिया था, और इससे मैं दो पॉट तैयार कर लेती हूँ, एक तो बड़ा पॉट हो जाता है 15 इंच के बराबर, और एक छोटा होता है 10 इंच के बराबर, तो 20 रुपये में 10 और 15 इंच के पॉट हमें दो मिल जाते हैं। तो वेस्ट मटेरियल का इस तरह से यूज़ मैं करती रहती हूँ अपने गार्डन में बहुत सारा। तो ये देखिए मैंने सीमेंट का पॉट जो है ये भी कर लिया है रेडी साफ़ करके, अब इसमें थोड़ा पानी डालूँगी, तो ये देखिए इस तरह से कितनी मिट्टी इसमें निकली है, बिल्कुल ऊपर क्लियर हट जाती है, अगर हम सीधे इस पर पेंट कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर क्लियर हट हट के हमारा पूरा पेंट हट जाएगा, तो इस पर भी मैं पानी डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरे पर मैंने पानी डाल दिया है अच्छे से, तो ये देखिए ये पेंट है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका आप नाम देख लीजिए, ये देखिए, और ये 1 लीटर का डब्बा है, तो ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा जहाँ पे पेंट वगैरह मिलता है, वहीं से मैं लेकर आई हूँ इसको, तो इसका यही नेम है आप देख लीजिए, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका पॉट पर जब हम करते हैं रेड कलर। तो ये देखिए अब मैं आपको करके बता दूँ, ये थोड़ा ना ठाढ़ा होता है, इसमें हल्का सा पानी मिलाना है,
तो इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, जैसे कि एक लीटर आपका पेंट है तो उसमें आप आधा गिलास पानी डाल लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ठाड़े से भी हमने नहीं करना है डायरेक्ट। तो मैंने इसमें पानी डाल लिया था, तो ये देखें इस तरह से अब मैं इसको पेंट कर दूँगी। तो बिल्कुल अच्छे से हमने करना है पेंट, पूरे पॉट पे कहीं नहीं छोड़ना है। तो मैं इसी तरह से सारे पॉट जो है, जो भी मुझे थोड़ा ख़राब होने लगता है, दिखता है कि ये ख़राब हो रहा है, तो मैं उस पर पेंट मार देती हूँ। तो सभी को मैं एक साथ नहीं करती हूँ, जैसे टाइम लगता है वैसे ही मैं पेंट कर देती हूँ, क्योंकि सारे पॉट एक साथ करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना टाइम भी नहीं होता है। तो मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ अपने सारे पॉट्स को, जो भी मुझे पुराना दिखता है, ख़राब होने दिखता है कि ख़राब हो रहा है, तो उसको मैं पेंट दे देती हूँ। तो ये देखें अब मैं इस पर पेंट कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नया हो गया है बिल्कुल यहाँ से, तो मैं पेंट कर दूँ। तो ये देखिए मैंने कर दिए हैं पेंट, और ये देखिए बिल्कुल नए हो गए हैं अब इस तरह से। अब मैं इनको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तो इस तरह से जो है ना मिट्टी वाले पॉट होते हैं, इनमें हमने बार बार कर देना है, और अगर आप उसको खाली करके करोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी पेंट करने में, क्योंकि मैंने आलस कर दिया मिट्टी निकालने का, तो ख़राब भी यहीं से हो रहा था, ऊपर से बिल्कुल सही है नीचे वाला। ये देखिए यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर से जहाँ ख़राब था मैंने पेंट लगा दिया है सब पे। तो इस तरह से आपको भी पेंट कर लेना है, तो मैं इसी तरह से पेंट करती हूँ। तो ये देखिए ये पेंट आपने यूज़ करना है, एशियन पेंट होता है ये। तो इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारा लुक आ जाता है। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय।